देखो भैया, ऐसा है कि आज की वीडियो में हम किसी चूतिए की गांड नहीं मारेंगे, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के सबसे बदनसीब इंसान के बारे में, या फिर यूं कह लो कि फ्री फायर के सबसे अनलकी इंसान के बारे में। भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, गरेना ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा वाला एल लगा दिया है, उसको काला बना के। भाई इसमें गलती कलुआ की नहीं है, एक बार देखो इसकी फेस, इतनी मासूमियत टपक रही है, फिर भी लौंडा सिंगल है। अब ये मत समझना कि लौंडा अपने काले रंग के वजह से सिंगल, क्योंकि हम तुम्हें ये आगे बताने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बताना, कुछ ऐसी यादें हैं जो तुम्हें समझाना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कलुआ के लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो। तुम अगर कलुआ को हल्के में ले रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लौंडे ने कितनों की लाइफ चेंज कर दी, बहुत सारे ऐसे चूतिए हैं जो बेचारे का सहारा लेकर बहुत आगे चले गए हैं। बट पता है, किसी ने भी आज तक कलुआ के बारे में नहीं बताया, कलुआ की रियलिटी नहीं बताया, किसी ने भी कलुआ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसको क्या फील होता है। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि आज हम किसी भी चूतिए की गांड नहीं मारेंगे, तो हम वैसा ही करेंगे। तो बात हम स्टार्टिंग से करते हैं जब कलुआ पैदा हुआ था अपने काले रंग के साथ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आज कलुआ पैदा होने वाला था, अमावस्या की वो काली अंधेरी रात थी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही। घर वाले बहुत खुश थे और इसी खुशी से सारा गांव खुश था, क्योंकि कलुआ की माँ का पहला बच्चा पैदा होने वाला था, जो कि बहुत ही ज्यादा मन्नत और प्रार्थना के बाद दुनिया में आने वाला था। रात के 12 बज गए थे, अचानक तेज बारिश होने लगी, वो बिजली कड़कने की डरावनी आवाज, चारों तरफ अंधेरा हो गया था। तभी कलुआ पैदा लिया और उस बच्चे की मनहूस रोने की आवाज सुनकर सारा गांव डर गया था। अब कलुआ दुनिया में पैदा ले चुका था, उसका शकल इतना काला था जैसे कि कोई कोयले का टुकड़ा, सब नाखुश थे उसे देखकर। उस गांव में सिर्फ एक इंसान खुश था, वो थी कलुआ की माँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। तभी बड़े प्यार से माँ ने कलुआ की तरफ देखकर एक रोते हुए स्माइल के साथ बोला, कलुआ मेरा प्यारा कलुआ, मेरा राजा बेटा। कलुआ के पैदा होने पे सारा गांव तो नाखुश था ही, बट इससे उसकी माँ को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे एक साल होने वाले थे, कलुआ बोलने लगा था, आज उसका बर्थडे भी था, सभी लोग आए थे, थोड़ी देर में केक कटने वाली थी, बट तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अभी पहली बार उसकी माँ को एहसास होता है कि कलुआ कितना बड़ा मनहूस है। कलुआ काला होने के साथ साथ बहुत मनहूस भी था, कलुआ जिसकी तरफ भी देखता उसका सारा दिन खराब हो जाता, सारा गांव कलुआ के मनहूसियों से परेशान हो गया था और बच्चे उसके काले रंग से डरते थे। और इस सब से परेशान गांव वाले ने कलुआ और कलुआ की फैमिली को गांव छोड़ देने को बोला। सारे घर वालों ने कलुआ को मार देने का सोचा, क्योंकि घर में उसके पैदा होने से बहुत नुकसान हुआ था और होता ही जा रहा था। घर में सब कलुआ को रात में मार देने का प्लान बना रहे थे। अभी ये सब सुनकर कलुआ की माँ ने कलुआ को लेकर गांव छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। सोचो बेचारी माँ कहाँ गई होगी कलुआ को लेकर, कैसे कैसे पाली होगी कलुआ को। अगर आगे जानना है तो भाई डेफिनेटली कमेंट करो, और आपको हमारा एडम प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो भाई वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना। और इस वीडियो का लाइक एम हम 25 का रखते हैं, तो भाई जल्दी से एम को कम्प्लीट कर दो। और भाई तुम्हें वो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, उस पे अपना गांड रगड़ो या अपना लंड, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।